नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एसीएन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, एक बार फिर आमद देंगे गृह मंत्री शाह। 1 अक्टूबर को होगी गृह मंत्री अमित शाह आएंगे भोपाल। भोपाल में संगठनात्मक बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित। जवाहर टेकरी निरीक्षण करने पहुंचे महापौर, निगम ने की विसर्जन की व्यापक तैयारियां। पूजा अर्चना कर किया जाएगा विसर्जन, शहर में बनाए गए पर्यावरण हितेशी कुंड। बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा, सतना की रहने वाली है नाबालिग पीड़िता। सतना में मजदूरी करते हैं बच्ची के पिता, ट्रेन या बस के जरिए पहुंची उज्जैन नाबालिग। 5 ऑटो चालकों को पुलिस ने किया राउंड अप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता हुए निराश, बीजेपी ने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को दी टिकट। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई तेज, एक बार फिर आमद देंगे गृह मंत्री शाह। 1 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे भोपाल। भोपाल में संगठनात्मक बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी खबर इंदौर से है, जहां जवाहर टेकरी निरीक्षण करने पहुंचे महापौर, निगम ने की विसर्जन की व्यापक तैयारियां। पूजा अर्चना कर किया जाएगा विसर्जन, शहर में बनाए गए पर्यावरण हितेशी कुंड। वहीं तीसरी खबर उज्जैन से है, जहां बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा, सतना की रहने वाली है नाबालिग पीड़िता। सतना में मजदूरी करते हैं बच्ची के पिता, ट्रेन या बस के जरिए पहुंची उज्जैन नाबालिग। 5 ऑटो चालकों को पुलिस ने किया राउंड अप। चौथी और आखिरी खबर है खाचरूद से, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता हुए नाराज, बीजेपी ने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को दी टिकट। मोदी और पार्टी गुणगान करने वाले अब बने विरोध। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रही है। वहीं बीजेपी लगातार बड़े बड़े आयोजन कर रही है, जिसमें पार्टी के मुखिया से लेकर दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आबिद मुमताज जुड़ चुके हैं। आबिद, जिस तरह भाजपा 2023 के चुनाव में पार्टी के दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार रही है, इससे यह कहना गलत तो नहीं होगा कि इस बार का चुनाव बीजेपी की साख का चुनाव है? जिस तरह से कांग्रेस ने इतना तैयारी की है, तो कांग्रेस से हमेशा ये आरोप लगते रहे थे कि कांग्रेस गुटबाजी की वजह से चुनाव हार जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस में गुटबाजी का कोई ऐसा आरोप भी सामने नहीं आया और ना ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देखे भी। हम बात करें अमित शाह की दौरे की, तो मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह चुनावी विकास दिखाने के लिए 1 अक्टूबर को भोपाल आ रहे हैं। भोपाल में अमित शाह करीब 3 घंटे तक यहाँ पर रुकेंगे और अलग अलग जो बैठक है कन्वेंशन की उसको यहाँ पर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बैठक यहाँ पर होंगी, निरंतर बैठक यहाँ पर होंगी, लगातार जिस तरह से जो फोकस यहाँ पर अमित शाह ने पहले से अपना बनाए रखा है, ताकि ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर मध्य प्रदेश में काबिज हो। अमित जो मध्य प्रदेश की चुनाव की जो कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है, और चुनावी फार्मूले के तहत पहले ही नेताओं को वो फिल कर चुके हैं। पहले बार पहले अमित शाह ने चुनाव के विधायकों को एमपी में भेजा था, और यहाँ पर एमपी ने जो उन्होंने अलग अलग फीडबैक लिए थे, जो फीडबैक लेने के बाद वो उसकी रिपोर्ट उन्होंने स्टेट में कोई आकर भेजी थी। तो निश्चित रूप से वो बेहतर बैठक में उस फीडबैक को अभी यहाँ पर इशारा किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की, तो कई चौंकाने वाले ऐसे नाम थे जिनकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं की जा रही थी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, 1 संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री थे उनको मैदान में उतार दिया। तो इसका साफ तौर पर इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी कोई भी चूक अब यहाँ पर नहीं बरतना चाहती है, बल्कि दुख दुख के वो हर
साथ ही पार्टी की इस स्थिति को कहीं ना कहीं पाइप लाइन से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को किया गया है। ये कहना भी असंभव नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के 18 सालों से यहाँ मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री है, उनको कहीं ना कहीं पाइप लाइन किया गया। वो यही वजह है की जो फ्रंट पर जिन नेता को रखा गया है उनने जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक थे उनको ही चुनाव में जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान को काट दिया गया। तो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि अब ज्यादा शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका जादू यहाँ नहीं चल पा रहा है। वही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी इतने उनके लेवल पर कोई फूट फलक यहाँ पर नहीं हो रही है। उनके खुद के कई टिकट यहाँ पर सामने आए जिनको फायदे का है, हालांकि कुछ टिकट उनको यहाँ पर दिए गए हैं लेकिन उनके समर्थकों आबिद हाल ही में पीएम मोदी ने राजधानी में लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उन्हें जीत का मंत्र दिया था। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर भोपाल पहुंच रहे हैं, ऐसे में किन किन कार्यक्रम और बैठकों में शामिल होंगे वे? रितिका जी, मैंने आपको बताया है कि वो नेताओं से यहाँ पर भेंट लेने आएंगे। इस तरह से जो शुरुआती विधायकों को पूरे देश के शुरुआती विधायकों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेजा था और भोपाल के बाद वो 230 विधानसभाओं में लगातार वो बैठे और फीडबैक वहां से लिया था। अपनी रिपोर्ट उन्होंने केंद्र को यहाँ पर भेजी थी, उसी फीडबैक को लेकर वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता उनके साथ निरंतर बैठक करेंगे। संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वो लगातार 3 जगह पर यहाँ पर भाग लेंगे और 3 जगह तक यहाँ पर रुकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा के आधार पर अगली जो सूची होगी वो जारी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में लगने की यहाँ पूरी उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आचार संहिता का पहले अमित शाह का मध्य प्रदेश के घोड़े पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण घोड़ा से यहाँ पर डाला जा रहा है। ऋषि का अभी प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हार का मुख दिखाया था, ऐसे में एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आने के आसार बन रहे हैं या नहीं? 2018 की बात करें तो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को जिस तरीके से जमींदेश किया गया था, ये आपको हमको सबको मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22-24 विधायकों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर शामिल हो गए। इससे पहले जो एक राजकीय दल का तरफ चला था, जो नौटंकी करी थी पूरे प्रदेश से उसको देखा है, इस तरह से सरकार को गिराने का षड्यंत्र यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से किया गया या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। एक बात का मैं उल्लेख करूँ आपको बता दूँ की 2018 में भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय महामंत्री है किरण विजयवर्गीय ने जरूर इसका कहा था कि जिस दिन केंद्र इशारा करेगा उस दिन कमलनाथ की सरकार मिल जाएगी। थोड़े दिन बाद कमलनाथ की सरकार यहाँ पर गिर भी गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जो करीब 3.5 साल तक सत्ता में काबिज रही, कई योजनाओं को लेकर कई घोषणा यहाँ पर की गई, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। जिसका पहले मैंने आपको कहा था कि पहले कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार कोई ऐसा आरोप कांग्रेस के अंदर नहीं लगा है जिससे गुटबाजी देखने को मिल रही है। जहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, वहीं जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अब जनता के बीच में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमियों को गिनवाने का वो काम कर रही है। कांग्रेस का दावा भी है कि जन आक्रोश यात्रा में भारी समर्थन मिल रहा है, हालांकि दोनों ही दलों का दीवानी जंग यहाँ पर लगातार जारी है। चाहे वो महिला अत्याचार की बात करें, चाहे नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार की बात करें, महिलाओं के साथ बलात्कार की बात करें, इसको प्रमुख मुद्दा जो है कांग्रेस यात्रा बनाई हुई है। जी, तो ये खबर थी भोपाल से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई तेज। एक बार फिर आमद देंगे गृह मंत्री शाह। 1 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे भोपाल, भोपाल के संगठनात्मक बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी खबर इंदौर से है, जहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई की जा रही है। उसी के चलते बप्पा के विसर्जन के लिए नगर निगम ने व्यवस्थाएं बनाई हैं। इंदौर स्थित जवाहर टेकरी पर बप्पा के विसर्जन की व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर विधिवत तरीके से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता खुशबू यादव इंदौर से जुड़ चुकी है। खुशबू, निगम के द्वारा विसर्जन के लिए शहर में कितनी जगह पर्यावरण हितेशी कुंड बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, नगर निगम द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और साथ ही लोगों की जो आस्था है वो भी बने रहे, उसी के चलते जो है
हर क्षेत्र में जो है कुंड बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। इंदौर शहर की बात की जाए तो इंदौर शहर में लगभग 100 से ज्यादा जो है कुंड बनाए गए हैं, जहाँ पर जो लोग है बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। साथ ही इस बार अगर देखा जाए तो एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जहाँ नदी तालाबों में लोग जाते थे विसर्जन करने के लिए, जिस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को भी हानि होती है, उसी के चलते नगर निगम द्वारा इसका उपाय ढूंढा गया है और अलग अलग कृतिका जिस तरीके से जो कुंड बनाए गए हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करके जो है बप्पा को आखिरी विदाई दे रहे हैं और अगले बरस को बप्पा जल्दी या कि जो देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो उनके मुंह से यही निकल रहा है कि बप्पा जल्दी आना, क्योंकि 10 दिन 11 दिन जो पूजा की जाती है पूजा अर्चना के बाद में जब बप्पा को इस तरीके से विदाई दी जाती है तो लोगों का जो मन है काफी दुखी होता है और उसी के चलते लोगों का कहना है कि बप्पा अगले बरस तो जल्दी आ। रितिका, खुशबू हितेश्वरी कुंड बनाए गए हैं, लोगों को इससे वास्तव में सुविधा मिल रही है, नगर निगम की सुविधा पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, लोगों का कहना है ऋतिका कि जिस तरीके से पहले नदी में जाना पड़ता था, ना शहर के बाहर नदियां हैं सारी और उसी के बाद में जब तालाब जाना पड़ता था तो वो भी शहर के आस पास है, तो शहर के बीचों बीच उनको कोई संसाधन नहीं मिलता था, कोई साधन नहीं मिलता था जहाँ पर वो बप्पा का विसर्जन कर सके, और उसी के चलते जब नगर निगम द्वारा इस तरह प्रचार किया गया है जो ताकि जो लोग है अपने अपने क्षेत्रों में ही वहाँ पर जो बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, विधि विधान से बप्पा का विसर्जन उस कुंड के माध्यम से कर सकते हैं, तो लोगों में काफी उत्साह नजर आया, लोग जो काफी प्रसन्न नजर आए, लोगों की खुशी थी और लोगों ने नगर निगम का धन्यवाद भी दिया है। ऋतिका, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार भी लोगों को मिट्टी के गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, इसका लोगों पर कितना असर रहा, यानी क्या पर्यावरण हितेशी कुंड पर पीओपी की प्रतिमाएं भी लोग डाल रहे हैं? खुशबू जी बिल्कुल, जो लोगों में काफी उत्साह देखने के लिए मिला था, जिस तरीके से लोगों से आग्रह करा गया था कि जो मिट्टी की जो गणेश जी है वही प्रतिमा है का स्थापना की जाए, उसी का पूजन किया जाए, तो देखा गया कि जिन लोगों ने मिट्टी के गणेश जी बनाए या फिर मिट्टी के गणेश जी का पूजन पाठ किया तो उन लोगों ने अपने घरों में ही जो गमले हैं या फिर अपने घरों में ही एक छोटा सा कुंड बना के उनसे विसर्जित किया गया, वही जो हितेशी कुंड बनाए गए हैं वहाँ पर जो पीओपी के जो गणेश जी है उनको लाया गया, वहाँ पर जो हितेशी कुंड बनाए गए हैं वहाँ पर उन्हें विसर्जित किया गया और विसर्जित करने के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अलग अलग तरीके से देखी गई कि जो मूर्तियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जन के बाद में जो 5 बार जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो रहता है कि जो डुबकियां लगाई जाती है 5 बार बप्पा की डुबकी लगा के उसे एक अलग रख दिया गया है ताकि जो उनका व्यवस्थित जो विसर्जन है वो किया जा सके। नगर निगम द्वारा पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो ये बात पर विशेष तौर पर दृष्टि का ध्यान दिया जा रहा है। जवाहर टेकरी पर प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? खुशबू, क्या इकट्ठा की गई प्रतिमाओं को कब तक जवाहर टेकरी तक पहुंचाया जाएगा और वहीं लोग कब तक इन पर्यावरण हितेशी कुंड में प्रतिमाएं डाल सकते हैं? ऋतिका, आज सुबह प्रातः 10 बजे से कल सुबह प्रातः 10 बजे तक जो प्रतिमा का एकत्रीकरण किया जाएगा, प्रतिमाओं को एकत्र करने का काम किया जाएगा, ये पूरे अगर देखा उसके बाद में जब प्रतिमा एकत्र हो जाएगी तो 90 से 120 जो ट्रस्ट है वो इसके लिए लगाए गए हैं, वो है सभी पूरे इंदौर शहर से जो प्रतिमा एकत्रित होगी अलग अलग स्थानों पर वहां से वो प्रतिमा लेकर आएंगे और उसके बाद में जो जवाहर टेकरी पे जो विसर्जन है ये बहुत किया जाएगा, उसके लिए भी जो आज जो व्यवस्थाएं है वो की जा रही है, पूरा जो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ पर जो प्रतिमाएं जो ट्रकों के माध्यम से जो प्रतिमाएं पहुंचेंगी उनका जो विसर्जन है नगर निगम द्वारा व्यवस्थित विधि विधान के द्वारा किया जाएगा। सुबह कल जो महापौर है, जनप्रतिनिधि है और या जो निगम कमिश्नर है वो वहाँ पर परंपरागत से जो है विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे, उसके बाद में सभी प्रतिमाओं को जो है वो वहाँ पर जवाहर टेकरी को विसर्जित किया जाएगा। ऋतिका, तो जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से कर ली गई है, जो तो जगह पर जो कुंड बनाए गए हैं वहाँ पर प्रतिमा एकत्रित होने का काम किया जा रहा है, साथ ही जो 90 से 120 ट्रक है उनकी व्यवस्था की गई है, जितने ट्रक लगेंगे वही प्रतिमाओं को लाने के लिए जवाहर टेकरी तक। लेकिन ऋतिका, इसमें ये चीज एक देखने के लिए मिली है कि कुछ बड़ी प्रतिमाओं की जब बात की गई निगम कमिश्नर से या फिर महापौर से की बड़ी प्रतिमाओं को भी क्या लोग यहाँ तक ला सकते हैं,
जी, तो ये खबर थी इंदौर से, जहां जवाहर टेकरी निरीक्षण करने पहुंचे महापौर। निगम ने की विसर्जन की व्यापक तैयारियां, पूजा अर्चना कर किया जाएगा विसर्जन, शहर में बनाए गए पर्यावरण हितेशी कुंड। वहीं तीसरी खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ दरिंदगी मामले में नया अपडेट आया है। लड़की एमपी की ही सतना जिले की होने बताई जा रही है, और भी क्या अपडेट सामने आए हैं इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जैन से विजेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेरा ये प्रश्न था कि और भी क्या अपडेट सामने आई है इसके लिए। पुलिस ने इस मामले में 5 ऑटो चालकों को भी राउंड अप किया है, उनकी किस तरह की जानकारी हासिल हो सकी है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर आए दिन राजनीति की जाती है, वहीं कल इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो रही है, इस पर क्या कहना है वीरेंद्र यादव आपका? योजना और कई सारी चीजों को महिलाओं को बेटा लाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार की घटना उज्जैन में सामने आई है, इसको लेकर जरूर कांग्रेस राजनीति करने उतरी थी और कंट्रोल पर घेराव किया था, लेकिन जो ये दर्दनाक और भयानक जो ये हादसा है जो बालिका के साथ हुआ है, जो पूरी तरह गलत है, इसमें कहने के समाज भी दोषी है और वो लोग भी दोषी है जिसके सामने से वो बालिका लगभग 2-3 घंटे तक घूमती रही, निकलती रही, मदद मांगती रही और लोग मदद करने के लिए भी आगे नहीं आए। इस मामले में पुलिस अब तक किसी संदिग्ध की को हिरासत में ले सकी है या किसी आरोपी को कोई सुराग लगा है? पुलिस को इस मामले में कई सुराग हाथ में लग गए हैं और पुलिस जल्द इस मामले को लेकर इसका खुलासा करेगी। उज्जैन उज्जैन अधीक्षक पुलिस अधीक्षक की बात माने तो हो सकता है कि आज शाम 7 बजे तक पुलिस इस मामले को लेकर खुलासा कर दे, संभवतः एक संभावना जताई जा रही है कि आज शाम 7 बजे तक पुलिस जो पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जी हैं ये इसका पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। जी, तो ये खबर थी उज्जैन से, जहां बच्ची से दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा। सतना की रहने वाली है नाबालिग पीड़िता, सतना में मजदूरी करते हैं बच्ची के पिता, ट्रेन या बस के जरिए पहुंची उज्जैन नाबालिग। 5 ऑटो चालकों को पुलिस ने किया राउंड अप। चौथी और आखिरी खबर खाचरोद से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से हो चुका है, जहां कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी अपने सांसद, मंत्री और संगठन के पुराने सिपाहियों को मैदान में उतार रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान देवड़ा खाचरोद से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, नागदा विधानसभा से ऐसे कितने दावेदार हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं थे कि उनको टिकट मिलेगा? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो ये खबर थी खाचरोद से, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता हुए निराश, बीजेपी ने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को दिया टिकट, टिकट नहीं मिला तो बिना आधार के इस्तीफा देकर भागी मोदी और पार्टी, गुणगान करने वाले अब बने विरोध। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, आप देखते रहिए ACN भारत।